अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। तो ये देखें, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें। सही है, सबसे पहले ना मैं ये तरबूज दिखाती हूँ आपको। ये देखे, ये कितना बड़ा है, सही से दिखाई नहीं। और ये डंडी भी टूट गई, देखो खींच रही हूँ, इतनी वजनी है। ये ना पूरा ना 10 किलो का है, और ये सीजन आखिरी आखिरी है, इसलिए ये है ना 5 रुपये का किलो दिया। तो 5 रुपये का किलो के हिसाब से 10 किलो का पड़ा 5,500 रुपये। ये सबसे छोटा था, ये सबसे छोटा चुन के लाए थे। मैंने कहा खाने वाले तो इतने सारे हैं नहीं, इतना बड़ा लेके क्या करूँगी, फिर भी सबसे छोटा लिया। देखो ये 10 किलो का निकला, माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। और वो कह रहा था, ये देखे ऐसे मारो ना, ऐसे एक अलग सी आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़ आए बोला, वो मीठा होता है हमेशा। और जो ऐसी आवाज़ बोला, एक खाली जैसे डब्बे की आवाज़ नहीं आई, तो बोला वो मीठा नहीं होता। वो यहाँ के लोग ना ऐसे मार के चेक करके देखते। खैर मुझे तो नहीं पता, तो इसलिए मैं, मुझे समझ नहीं आती है। वो खुद भी बोल रहा था, बोला ऐसे मार के देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मीठा है कि नहीं ना। तो और लाई ये अंगूर, ये देखे, ये ना मैं पूरा एक गुच्छा लाई। ये आपको पता है 1 किलो का गुच्छा है ये अंगूर, है ना। उठा के दिखाऊं ये, हाँ। और ये 35 रुपये का किलो था, पिछले बार 50 रुपये का लाई, उसके बाद 40 का लाई, और इसके बाद अभी ये कितने का लाई हूँ, देखो बोलते बोलते भूल रही हूँ। हाँ इस बार लाई 40 का कि 35 का, पता नहीं मैं भूल गई, इतने का है। और ये है ना, ये मैंने पूरा बड़ा गुच्छा ही उठा लिया था, मैंने कहा ये गुच्छा ही दे दो, वो कम हो रहा था। तो ये इसने ना ऐसे चुन्नू सा ये भी डाल दिया पूरा 1 किलो पूरा करने के लिए। तो मैंने लिया, वो दूसरे अंगूर लेने वाली थी, वो थे नहीं, थे भी तो सारे कच्चे कच्चे थे, तो कच्चे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये यहाँ को रख देती हूँ, जगह बन जाए, है ना। फिर लिया मैंने टमाटर, टमाटर मैंने 2.5 किलो लिया, और टमाटर सस्ता मिला, 10 रुपये का किलो लिया मैंने टमाटर। ये देखे मैंने टमाटर लिया 10 रुपये का किलो। और बैंगन लिए, बैंगन मुझे अच्छे मिले, छोटे छोटे नाजुक, बड़े भी थे। अभी अचार का सीज़न है ना, सारे पके हुए मिल रहे थे। यहाँ के लोग ना पके हुए लेके अचार डालते हैं, तो मैं थोड़ी ना अचार डालूँगी ना, इसलिए मैंने ये ऐसे नाजुक वाले लिए। वो दूसरे जो थे वो क्या नाम से 20 रुपये किलो 22 रुपये किलो ऐसे दे रहे थे, तो ये वाले ना 25 रुपये का किलो दे रहे थे। तो मैंने 1 किलो ना ये बैंगन ले लिया, और ये 2.5 किलो प्याज ले लिया। प्याज ही वाले मुझे, प्याज इस बार मुझे महंगा पड़ा, 15 रुपये का किलो मिला मुझे। मैंने कहा कोई ना, चलो ले लेती हूँ, प्याज तो अहम ज़रूरी होता है ना। तो मैंने ये 2.5 किलो प्याज ले लिया, अच्छे थे बड़े वाले लिए, देखो है ना बड़े वाले लिए। फिर मैंने लिया ये साग, ये किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, ये पहली बार लिया। मैंने कहा चलो बना के देखूंगी, सब्ज़ी अच्छा लगा तो फिर दोबारा ले लूँगी। पहले जो लाती थी, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, पहले भी लाती थी, वो दूसरे थे। इसमें देखिए ये मूली की तरह ना, जैसे लाल वाली मूली नहीं होती, उसकी तरह जैसे लाल लाल डंडियाँ हैं। मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना के देखूँगी, मुझे जा रही थी, इसलिए ऐसे 15 रुपये का देते हैं एक गड्डी, मुझे ना 10-10 की दी, जैसे 2 गड्डी मैंने ले ली। मैंने कहा ट्राई करके देखूँगी, तो मैंने ये 2 गड्डी ये ले ली। फिर मैंने ये लिया धनिया, धनिया इस बार भी कम लाई, 1 ही गड्डी लाई, ये देखो। और ये भी मुझे 20 रुपये का पड़ा, मैंने कहा 1 ही बहुत है, इतना महंगा दे रहे, सस्ता देते तो 2 ले आती, 20 का दिया तो 1 ही ले आई, है ना। और ये लिया फेवरेट माँ दुनियास मुझे 7.5-7.5 का पड़ा, इसलिए मैंने 2 लिए। इस बार ना मैंने पत्ते छोटे छोटे वाले लिए, देखिए इसके पत्ते कितने छोटे हैं, और कितना फ़र्क है, ऐसे दिखने में लगता है धनिया है मगर ये धनिया नहीं है। देखो इसके पत्ते भी हल्के हैं,
इसके ऐसे मोटे मोटे पत्ते हैं, ऐसे दिखने में ना एक जैसे, लेकिन खुशबू से पता चलता है, और उसके मोटे मोटे पत्ते हैं जैसे। तो ये लिया 7.5-7 का, 2 गड्डी ले ली मैंने। तो प्याज को ना इधर रख देती हूँ, ये 2 गड्डी मैंने ये ली। फिर लिया मैंने ये फल्ली, बड़ा लोबिया, ये लिया मैंने 25 का किलो, नहीं 25 का आधा किलो, 25 50 का किलो है, 25 का आधा किलो। एक दो देखो सूखे वाले भी दे दिए, कल मैं इनको साफ करूँगी, तो साफ करते वक्त भी आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसा है। हाँ अभी तो फिलहाल मैंने ये 25 का मैंने आधा किलो ले लिया। हाँ और मैंने ये लिया सफ़ेद लोबिया, इसका तो सबको पता है ना, इसका तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना। ये है 50 का किलो, ये 50 का किलो है। ज़रा वो नाजुक जो थे ना वो 80 का किलो दे रहे थे, तो ये ज़रा मोटे दाने वाले हैं। ये ना ऐसे ऊपर करके दिखाती हूँ, ये है ना 50 का किलो दे रहे थे, तो मैंने ना 1 किलो ये ले लिया। मैंने कहा अच्छा है, पता नहीं क्यों ये इसके लोबिया निकालो, बड़े बड़े दाने होते वो अच्छे लगते हैं ना, नाजुक वाले थोड़ी होते, वो तो छोटे छोटे कितने पतले नाजुक नाजुक बीज होते, शायद उनको वो वाले अच्छे लगते हैं इसलिए वो लेते हैं। बहरहाल मैंने ये ले लिया, मुझे मोटे दाने वाले ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये मोटे दाने वाले ही ले लिए। मैंने कहा हर एक की अपनी पसंद होती है ना, तो ये ले लिया। आगे दिखाती मैं, ज़रा इसको ज़रा दूर कर दूँ। हाँ और लिया मैंने ये भिंडी, देखो भिंडी मैंने लिए, भिंडी भी मैंने लिया ये 50 का किलो। आपको एक बात का पता है, ये बड़े हैं इसलिए मुझे 50 रुपये का किलो दिया। ऐसे नाजुक है, देखे दिख रहा होगा ना सही से, ऐसे नाजुक है वो, मगर बड़ा साइज है। हाँ बड़े साइज वाला मुझे दिया 50 रुपये का किलो, और एकदम छोटे छोटे साइज वाला जो है वो 80 रुपये किलो। मैंने कहा ये छोटे साइज वाले का मुझे क्या करना है, यहाँ के लोग ना वो ऐसे जैसे हम ये डंडियाँ फेंक देते हैं ना, ये आगे की ये पीछे की, यहाँ के लोग ना वो छोटे वाले लेते हैं तो वो नहीं फेंकते, जैसे ऐसे ही साबित साबित वो अपनी सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही ले लिए, ये वाले ले लिए, छोटे वाले नहीं लिए, क्योंकि लोग यहाँ के लोग ना छोटे वाले सुखाते भी है, फिर वो सुखाने के लिए ज़्यादातर लोग छोटे वाले भी लेते, मुझे कौन सा सुखाना है, मुझे तो सब्जी बनानी है ना। तो ये ले लिया, फिर आगे क्या लिया, हाँ फिर ये मैंने ये हरी मिर्च, ये वाली हरी मिर्च देखो, ये वाली इस बार मुझे ये हरी मिर्च अच्छी लगी, फिर भी वो दूसरी भी ली है वो भी दिखाती हूँ। देखो ये हरी मिर्च ली मैंने 30 रुपये की, अच्छी लग रही है ना। मैंने लाल लाल खुद चुन के लिए हैं, कुछ ऐसे हरे हरे भी लिए, मैंने लाल भी लिए, देखे लाल भी मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने लाल भी ले लिया, और हरे भी थे तो ये ले लिया मैंने। मैंने कहा एक दो ऐसे सख्त थे देखे एकदम, फिर भी मैंने मुझे ना लाल वाले अच्छे लग रहे थे, ये लिए मैंने 30 रुपये का किलो। इतना तेज़ नहीं है ये वाले, अच्छे लग रहे हैं ना, ये देखो है ना, ये लिया मैंने 30 रुपये का किलो। अब दूसरा भी आपको दिखाती हूँ ना, और ये देखो ये वाला, ये बहुत तेज़ होता है, मैंने पहले भी बोला है, पर मुझे ना पता नहीं क्यों खाने में ये इतना मज़ा नहीं आता। ये 25 रुपये का किलो दिया, ये एकदम मोटे मोटे होते हैं ये वाले, और तेज़ बहुत होते हैं ये, 25 रुपये का दिया मुझे, जैसे ये 30 का लिए। देखो ना दिखने में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे खूबसूरत है ना। एक है बिल्कुल ही पतले लंबे लंबे, वो 150 का किलो दे रहा था, कम दे ही नहीं रहा था, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मगर इतना महंगा बोला तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं छोड़ देती हूँ। फिर ये लिया एक ये, फिर यहाँ से ये ले लिया, और क्या लिया,
हाँ एक और चीज़ लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं कब से ढूंढ रही थी ना, मुझे नहीं मिल रहा था, आज मिल गया तो मैंने ले लिया। ये देखो, ये आलू मैश करने वाला ना, ऐसे आलू जो मैश करते हैं उसके लिए, देखो ये मैंने लिया। और मुझे ये पड़ा वहाँ, वो ठेले वाले जो आते हैं ना, जो अपनी छोटी छोटी दुकानें लेके घूमते, उससे खरीदा था। तो ये मुझे मिला 80 रुपये का। ये देखे, इसकी डंडी भी हल्की वाली भी थी, 40 वाली भी थी, 50 वाली भी थी, ये 80 वाली है। इसकी ज़रा ये मजबूत लगी हुई है ना, वो तो यूं करूँ डंडी टेढ़ी हो रही थी। ये मुझे अच्छा लगा तो ये मुझे पड़ा जैसे 80 रुपये का, ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। फिर मैंने आधा किलो चने लिए छोटे वाले ना, मैंने कहा चाट बना लूँगी, ऑफर में आता सुपर मार्केट में ना, मैंने कहा चाट वाट बना लूँगी बोल के ना, मैंने ना ले लिया ये चने। ये देखिए, ये एक पैकेट ले लिया, और क्या नाम से ये मुझे पड़ा, जैसे आधा किलो का पैकेट है, मुझे पड़ा ये 35 रुपये का, तो मैंने एक ये ले लिया। और हाँ बस यही चीज़ें मैंने ली। ये है मेरी छोटी सी ग्रोसरी हॉल, मैं राशन लाई थी थोड़ी सी, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं क्या क्या लाई हूँ, सही है ना। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियो ना बिना स्किप किए पूरा देखा करें, सही है ना। चले फिर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, जीते रहे, मुस्कुराते रहे, और यूं ही मेरी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।